रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए आरबीआई की बाय सेल स्वैप पॉलिसी के बारे में कि कैसे आरबीआई ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल करके इंडियन रुपी को स्टेबल रखा है। अब क्योंकि यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपी लगातार वीक हुआ है तो इसलिए आरबीआई ने बाय सेल स्वैप पॉलिसी का यूज किया है, जिसका मतलब है कि आरबीआई लगातार अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में पड़े यूएस डॉलर्स को सेल करके इंडियन रुपी परचेज करेगा, जिससे इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हो सकेगा और देश में लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। और अनिंदा बनर्जी जो एक करेंसी एनालिस्ट है कोटक सिक्योरिटीज में, इनके हिसाब से आरबीआई की इस अप्रोच से इस फेस्टिव सीजन में इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। अब क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इसलिए आरबीआई ने अपनी बाय सेल स्वैप पॉलिसी को एक्सटेंड भी किया है, लेकिन लगातार यूएस डॉलर्स को सेल करने से इंडिया के आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 642 बिलियन यूएस डॉलर से घटकर पिछले दो सालों के ऑल टाइम लो लेवल यानी 532 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गए हैं।